नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुद्दा किसानों की डूब में आ रही जमीन और उसके मुआवजे का था, लेकिन चर्चा कांग्रेस की गुटबाजी की होने लगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डूब प्रभावित किसानों की मांग को रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय मांगा था। समय तय होने के बाद निरस्त किए जाने से नाराज दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। जिस वक्त दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हवाई पट्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हो गई। कमलनाथ के अनुसार मुलाकात महज संयोगवश हुई, चंद मिनट की संयोगवश हुई। इस मुलाकात के जरिए भाजपा यह संदेश देने में सफल हो गई कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में हर नेता अपनी राजनीति की दिशा और रणनीति खुद तय करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति दो बड़े नेताओं के बीच बटी हुई दिखाई दे रही है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दोनों समान उम्र और समान कद के नेता हैं। दिग्विजय सिंह 10 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 2003 में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के चेहरे के कारण ही चुनाव हारी थी। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी के पीछे भी दिग्विजय सिंह की मैदानी रणनीति को श्रेय दिया जाता है। राज्य में दिग्विजय सिंह के समर्थकों की संख्या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सार्वजनिक रूप से अपने रिश्तों को छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते के तौर पर पेश करते हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।